प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनुपिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। धनुपिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 15 जून को मुख्यमंत्री 24 घंटे लगातार धरने पर बैठे, जिससे शासकीय मशीनरी का खुला उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा जिलों में मंत्री इस अनुष्ठान में लगे रहे, इससे शासन के धन का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने मुख्य सचिव आर परशुराम को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे का वेतन मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन काटा जाए। उन्होंने कई कोर्ट की धाराओं का उल्लेख करते हुए इसमें सरकार को दोषी माना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार मुख्यमंत्री और सारे मंत्री 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ में। निश्चित रूप से कानून की परिधि में इंडियन पेनल कोड के तहत ये धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत इनको वेतन सुविधाएं दी जाती हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये मांग की गई है कि जब मंत्री 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उन्होंने कार्य नहीं किया है, तो उन्हें 15 जून का वेतन न दिया जाए। इस बात के लिए आज हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर परशुराम को एक लीगल नोटिस भेजा है और नोटिस के माध्यम से मांग की है कि 15 जून के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन वितरित न किया जाए और साथ ही उनके साथ जो भी उनके सबऑर्डिनेट साथ रहे हैं, चाहे ड्राइवर हों या उनके पीए वगैरह हैं, उनका वेतन ही उनके वेतन से काटा जाए। यदि उनके वेतन से सुविधाओं की राशि और वेतन नहीं काटा गया तो निश्चित रूप से आर परशुराम जी के विरुद्ध हम कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस परिणाम होंगे वो स्वयं मुख्य सचिव कुछ बहुत नहीं होंगे। नहीं, कोई काम नहीं किया, वो दिखावा किया है उन्होंने। उन्होंने सिर्फ शाम को दो कुछ फाइलें मंगा के साइन कर दिए हैं, जबकि उन्होंने 24 घंटे के लिए, जब शासन ये कहता है, ये नियम ये कहता है, संविधान कहता है कि उन्हें जनता की पसीने की जो खर्च करने की राशि है उस पर जनता का काम करना चाहिए, वहाँ उन्होंने सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा किया है, राजनीतिक द्वेषता की है और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार करके अपने आप को दोषी किया है। कैमरा पर्सन परवेश के साथ राजेश सक्सेना की रिपोर्ट, EMS TV न्यूज़ भोपाल।